ब्लॉक साइफर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम उसी का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी, बट फिर भी अगर आपको ये कहानी ऑलरेडी पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, यू कैन डू द नीडफुल। ओके, अब कहानी शुरू करते हैं। अगर सपोज एक कंप्यूटर को कोई मैसेज या कोई प्लेन टेक्स्ट उस कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर तक सेंड करना है, तो अगर ऐसा होना है तो वो कंप्यूटर उस मैसेज को या उस प्लेन टेक्स्ट को सेंड करने से पहले उस मैसेज को या उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करता है विद सम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है। और जब वो मैसेज एनक्रिप्ट हो जाता है, वो मैसेज बन जाता है एक साइफर टेक्स्ट, और ये साइफर टेक्स्ट फिर ट्रेवल करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर वाया इंटरनेट और वाया काइंड ऑफ दिस मीडियम, ठीक है। और जब वो जो साइफर टेक्स्ट है वो दूसरे कंप्यूटर तक पहुँच जाता है, तब वो जो दूसरा कंप्यूटर है वो उस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करता है, और फिर डिक्रिप्ट करने के बाद वो साइफर टेक्स्ट वापस एक नॉर्मल मैसेज में या वापस एक प्लेन टेक्स्ट में, जो ओरिजिनल मैसेज था या जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट था उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो रिसीवर कंप्यूटर के सामने जो इंसान बैठा है वो इंसान उस मैसेज को ईजिली पढ़ पाता है। तो बेसिकली ये कहानी है। अब इस कहानी के अंदर स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर एक कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना है तो सेंड करने से पहले वो उस मैसेज को एनक्रिप्ट करता है। तो एनक्रिप्ट करने के लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, और उन एल्गोरिदम्स में से एक एल्गोरिदम होता है ब्लॉक साइफर। अब ब्लॉक साइफर में क्या किया जाता है, इमेजिन करो कि ये वो मैसेज है जो सेंड होना है, ठीक है। तो ब्लॉक साइफर के अंदर इस मैसेज को ब्रेक किया जाता है या इस मैसेज को तोड़ा जाता है इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स, और ये जो डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं वो सेम इन साइज होते हैं, ओके। और यहाँ पे आपको और एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा सा। अब जब ये मैसेज अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होता है, जहाँ पे हर एक ब्लॉक की साइज सेम होती है, तो डिवाइड होने के बाद हर एक ब्लॉक के ऊपर एनक्रिप्शन ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है। अब जो एनक्रिप्शन ऑपरेशन हर एक ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया जाता है, उस एनक्रिप्शन ऑपरेशन का नाम है सब्स्टिट्यूशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। वो एनक्रिप्शन ऑपरेशन हर एक ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, और जब ऐसा होगा तब हर एक ब्लॉक का अपना खुद का एक एनक्रिप्टेड मैसेज बनेगा, और फिर ये सारे के सारे एनक्रिप्टेड मैसेजेस जो होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे, और फिर कंबाइन होने के बाद फाइनली इस मैसेज का एक एनक्रिप्टेड मैसेज बनेगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली ऐसा, कुछ ऐसा, ओके। ये करने के पीछे का रीज़न ही ये है, मैसेज को एनक्रिप्ट करने के पीछे का रीज़न ये होता है। रीज़न ये होता है कि अभी यहाँ पे देखो, ये जो मैसेज होता है वो क्या मैसेज हो सकता है, वो कोई भी मैसेज हो, बट बेसिकली वो मैसेज कुछ ऐसा मैसेज होता होगा जो एक नॉर्मल इंसान को समझ में आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा होगा आई लव टू ईट गोट इन माई ब्रेकफास्ट, या आई लव टू ईट हैन इन माई डिनर, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। बट जो भी मैसेज होगा वो एक नॉर्मल इंसान को समझ में आएगा, ओके। बट जब ये मैसेज एनक्रिप्ट होके इस एनक्रिप्टेड मैसेज में या इस साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, तब यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी वो एक नॉर्मल इंसान समझ नहीं पाएगा, ओके। क्या ये चीज़ तुम तुम एक नॉर्मल इंसान हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो क्या तुम ये समझ पा रहे हो? एंड द आंसर इज नो, ये तुम्हारे समझ के बाहर है, ओके। और ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि अभी ये एनक्रिप्टेड मैसेज या ये जो साइफर टेक्स्ट है वो जब इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रैवल करेगा वाया इंटरनेट या वाया सम काइंड ऑफ दैट ऐसे कोई मीडियम वाया दिस मीडियम, तो ये जो मीडियम होता है जिससे वो ट्रैवल करता है, ये मीडियम काफ़ी डेंजरस होता है क्योंकि इस मीडियम पे अटैकर्स और हैकर्स होते हैं जो कि इस मैसेज को स्टील कर सकते हैं। तो अगर किसी अटैकर ने या हैकर ने इस मैसेज को स्टील कर दिया, और अगर वो एनक्रिप्टेड मैसेज नहीं है, तो वो अटैकर या हैकर उस मैसेज को पढ़ सकता है जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए एक मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाता है ताकि अगर बीच में किसी अटैकर ने या हैकर ने उस मैसेज को स्टील भी कर लिया तो भी वो अटैकर या हैकर उस मैसेज को पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक एनक्रिप्टेड मैसेज है जो कि एक नॉर्मल इंसान पढ़ नहीं पाता है, ओके, जो कि एक मशीन नहीं पढ़ पाता, ओके। इसीलिए एक मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाता है, एंड देन जब वो वहाँ पर जाता है वो डिक्रिप्ट हो जाता है, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ, ओके। अब हम बहुत ओके हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, माय बैड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक साइफर के बारे में कुछ पॉइंट्स का अभ्यास करेंगे। अब ब्लॉक साइफर के बारे में तुम्हें टोटल 3 पॉइंट समझने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जैसे कि मैंने बोला कि ये जो मैसेज है वो डिवाइड होता है इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स जिनका साइज सेम होता है, तो हर एक ब्लॉक का साइज होता है n कैरेक्टर्स। अब n के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, मान लेते हैं कि n के जगह पे नंबर है 32, तो इसका मतलब इन दिस केस हर ब्लॉक का साइज है 32 कैरेक्टर्स, मतलब हर एक ब्लॉक के अंदर 32 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ये पहला पॉइंट था।
दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर एक ब्लॉक के अंदर 32 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए, तो तब क्या होगा, जब मान लेते हैं कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं और ये मैसेज ब्रेक हो गया इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स, तो यहाँ पे 32 कैरेक्टर्स आ गए, यहाँ पे 32 कैरेक्टर्स आ गए, और जो बचे हुए कैरेक्टर्स हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल बचे 16 कैरेक्टर्स, तो 16 कैरेक्टर्स यहाँ पे आ गए, तो अभी यहाँ पे 32 कैरेक्टर्स फिल नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ कैरेक्टर्स का स्पेस यहाँ पे बचा है, बट इस ब्लॉक में तो 32 कैरेक्टर्स ही आने चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि ऐसे सिचुएशन में हम पैडिंग ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब तुम लोग कहोगे कि पैडिंग का मतलब क्या होता है, अब जो पॉइंट नंबर 3 है वो पैडिंग का मतलब क्या होता है ये एक्सप्लेन करता है। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि पैडिंग का मतलब जो बचा हुआ स्पेस है उस स्पेस को किसी रैंडम इंफॉर्मेशन से फिल किया जाता है और इस चीज़ को पैडिंग कहा जाता है। और अब ये जो ब्लॉक साइफर है इसके दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। फर्स्ट इज DES यानी कि बेसिकली डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एंड सेकेंड इज AES यानी कि बेसिकली एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का अभ्यास करते हैं। अब इसके दो एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट इज इसके अंदर हाई सिक्योरिटी होती है, एंड द सेकेंड एडवांटेज इज ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज टेक्निक है। और इसका एक डिसएडवांटेज होता है विच इज इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा लो होती है, जिसको तुम लो स्पीड भी कह सकते हो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ, एकदम सच सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। थैंक यू।